एग्जांपल नंबर 4 फाइंड द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना है। ये 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जब यहां 1 से ग्रेटर नंबर होगा, 1 से ग्रेटर होगा तो उससे हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडिंग बाय 4, 4 से हम डिवाइड कर दिए, इसमें डिवाइड करेंगे x स्क्वायर होगा, इसमें डिवाइड करेंगे 3 बाय 4 इंटू x होगा, प्लस इसमें डिवाइड करेंगे 5 बाय 4 इज इक्वल टू 0 होगा। अब हम x स्क्वायर पर मेस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 लिखेंगे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, 2 इंटू ए, ये यहाँ पर x है, x जो है वो a है, 2 a, उसके बाद हम x लिख चुके हैं, यहाँ पर क्या बचा 3 बाई 4 बचा, ये 3 बाई 4 लिख दिए इंटू, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 3x बाई 4, यहाँ 3x बाई 4 है, सेम है, प्लस उसके बाद हम क्या लिखेंगे 5 बाई 4 होल स्क्वायर, 5 बाई 4 लिख दी, ये कांस्टेंट नंबर है, 5 बाई 4 इज इक्वल टू 0 है। देन आफ्टर x स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये 4 2 जाए 8, 3 बाई 8 प्लस ये b है, और b स्क्वायर हम ऐड कर देंगे, b स्क्वायर हम सेपरेट कर देंगे, तो 3 बाई 8 होल स्क्वायर ऐड कर दिए, उसके बाद माइनस कर दिए, माइनस 3 बाई 8 होल स्क्वायर प्लस 5 बाई 4 इज इक्वल टू 0। यहां से यहां तक फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स प्लस ये ए है और ये बी है, 3 बाई 8 ये बी है, एक्स प्लस 3 बाई 8 का होल स्क्वायर प्लस देन आफ्टर ये पॉजिटिव नंबर लिख दिए, उसके बाद निगेटिव नंबर लिख दिए, 5 बाई 4 माइनस ये 9 बाई 64 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्स प्लस 3 बाई 8 होल स्क्वायर प्लस 4 और 64 का हम एलसीएम निकालेंगे, 64 होगा, 4 6 में डिवाइड, 4 से डिवाइड करेंगे 64 में 16 होगा, 16 5 जा 80 माइनस, अब 64 से 64 में डिवाइड करेंगे 1 1 9 जा 9, 80 माइनस 9 इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 71 हो जाएगा, 71 अपन 64 इज इक्वल टू 0, इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, माइनस हो गया ये, और ये माइनस ये निगेटिव वैल्यू है, 0 से लेस हो गया, इसकी वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं आनी चाहिए, लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे x प्लस 3 बाई 8 होल स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ x की, किसी भी रियल वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं आनी चाहिए, इसलिए गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इसलिए गिवन इक्वेशन नो रियल रूट्स रखता है।